हेलो स्टूडेंट्स क्लास सिक्स इंग्लिश लिटरेचर चैप्टर थर्ड पृथ्वीराज चौहान द वॉल्ट पार्ट वन नाउ वी स्टार्ट द समरी ऑफ द चैप्टर पृथ्वीराज चौहान का जन्म ग्यारह में अजमेर में हुआ था उनके पिता अजमेर के राजा थे और नाना दिल्ली के पृथ्वीराज चौहान बचपन से ही बहुत बहादुर थे उनकी बहादुरी को देखकर उनके नाना ने उनको दिल्ली का राजा बना दिया पृथ्वीराज चौहान में एक खास गुण था वह यह था कि वो शब्द वाण चलाना जानते थे दैट मीन्स जहाँ से आवाज़ आए वहाँ निशाना लगा देते थे जयचंद जो कन्नौज का राजा था पृथ्वीराज चौहान की वीरता से बिल्कुल खुश नहीं था और राजपूत किंग्स पर अपनी सुपर दैट मीन्स अपना आधिपत्य चाहता था जो पृथ्वीराज चौहान को बिल्कुल पसंद नहीं थी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि किस तरह से पृथ्वीराज चौहान ने जयचंद की बेटी से शादी की और मोहम्मद गोरी से युद्ध किया सो किंग ऑफ द चौहान डायनेस्टी रूल एक्सटेंड टू पार्ट ऑफ प्रजेंट डे राजस्थान हरियाणा दिल्ली एंड ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश ही इज ऑल्सो हेल्ड एज द लास्ट राजपूत किंग टू हैव रूल्ड दहली ही रूल्ड फ्रॉम हिज ट्वीन कैपिटल्स एट दहली एंड कश्मीर हिट फर्स्ट राइज कॉश द एन बी ऑफ द पावरफुल रूलर ऑफ द कनो जयचंद्रा गडवाला एंड देर वॉज अ लॉट ऑफ इल फीलिंग्स बिट्वीन द टू हियर द राइटर सेज दैट पृथ्वीराज चौहान वॉज द किंग ऑफ चौहान डायनेस्टी ही रूल्ड ओवर राजस्थान हरियाणा दिल्ली सम पार्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश यानी पृथ्वीराज चौहान चौहान डायनेस्टी के आखिरी राजा थे और उन्होंने राजस्थान हरियाणा दिल्ली और कुछ हिस्सों पर मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के हिस्सों पर शासन किया ही वॉज द लास्ट राजपूत किंग दिल्ली एंड अजमेर बूथ वर हिज कैपिटल यानी कि दिल्ली और कैप अजमेर को उन्होंने दोनों को ही अपनी राजधानी बना लिया था यानी दोनों ही उनकी राजधानी थी रूलर ऑफ कन्नौज जयचंद्राज हिज एनमी यानी कि जयचंद्र जो कन्नौज का राजा था उनका दुश्मन बन गया था नेक्स्ट पैराग्राफ नाव जयचंद्रा अ डॉटर संयुक्ता हु वॉज फेम्ड फॉर हर ब्यूटी अकॉर्डिंग टू लीजेंड अ पेंटर फ्रॉम पृथ्वीराज ट पन्ना राय वंस विजिटेड कन्नौज एंड शोड हिज पेंटिंग ऑफ पृथ्वीराज चौहान टू द प्रिंस समयुक्ता हैड हट मेनी स्टोरीज ऑफ हिज वॉलियर एंड वॉज सीक्रेटली इन लव विद हिम पन्ना राय अपॉन रिटर्निंग टू पृथ्वीराज कोर्ट पेंटेड संयुक्ताज पोर्ट्रेट एंड शोड इट टू पृथ्वीराज हम सच ब्यूटी श्योरली शी मस्ट टू बी मोर ब्यूटिफुल इन पर्सन ही थॉट टू हिमसेल्फ नीड लेस टू से ही टू वॉज इसम नाउ हियर राइटर से दैट जयचंद्र हैड अ वेरी ब्यूटिफुल डॉटर, समयुक्ता वन डे पेंटर ऑफ पृथ्वीराज चौहान कोर्ट मेड अ ब्यूटिफुल पेंटिंग ऑफ समयुक्ता आफ्टर रिटर्निंग कन्नौज यानी कि जयचंद्र की एक बहुत ही खूबसूरत बेटी थी संयुक्ता और एक दिन जब पृथ्वीराज चौहान का कोर्ट दरबारी यानी कन्नौज के दरबार से लौट कर आया तो उसने एक बहुत सुंदर पेंटिंग संयुक्ता की बनाई एंड शोड दैट पेंटिंग टू पृथ्वीराज चौहान टू सी दिस पेंटिंग ही फेल्ड दैट मीन्स पृथ्वीराज चौहान फेल्ड इन लव विद हर अदर साइड संयुक्ता टू हर्ट मैनी स्टोरीज ऑफ पृथ्वीराज चौहान ब्रेबरी शी ऑल्सो लब्ड हिम और जो पेंटर ने पेंटिंग बनाई थी उस पेंटिंग को देखकर पृथ्वीराज चौहान समयुक्ता से प्रेम करने लगे थे और उधर जो समयुक्ता उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की जो बहादुरी बहादुरी की कहानियां सुन रह, सुन चुकी थी बहुत सारी वो उनसे प्रेम करने लगे थे नेक्स्ट पैराग्राफ जयचंद्रा वांटेड टू एसेट हिज सुपर over the other Rajput kings and hence decided to do a Raju yag. Prithviraj, however refused to accept Chachandra's supremacy and this marked the beginning of their enmity. Raju yag means ये होता है कि हम एक yag करते हैं और उसमें ये होता है कि जो राजा उसका ब्रोड करता है तो उसको जिसने ये Raju yag करा उसे युद करना पड़ता अदरवाइज उसकी सुपरमेसी अगर वो युद्ध नहीं करता अदर राजा तो उसकी सुपरमेसी स्वीकार करनी पड़ती है सो so, जयचंद जयचंद्रा वॉन्टेज हिज पावर ऑन राजपूत किंग्स सो so, ही डेड राजू यग बट पृथ्वीराज चौहान रिफ्यूज हिज सुपरमेसी यानी कि जयचंद्रा ये अपनी सुपरमेसी चाहता था राजपूत किंग पर लेकिन पृथ्वीराज चौहान ने इसके स्वीकार करने से मना करती है वैन जयचंद्रा लर्न अबाउट द सीक्रेट फीलिंग्स दैट हिज डॉटर एंड रैवल पृथ्वीराज शेयर फॉर ईच अदर ही डिसाइडेड टू अरेंज अ स्व अ एशियंट हिंदू सेरेमनी वेर अर ब्राइट कैन सेलेक्ट हर हजबेंड फ्रॉम द असेंबल्ड प्रिंसेस बाय प्लेसिंग अ गारलैंड अराउंड द नेक ऑफ एनिवल शी चूज टू एंड बिकम हिज He sent an invite to all the kings except Prithviraj. To add it to the insult, he ordered let a statue of Prithviraj be made, and he installed at the gate in place of doorman. Here writer says that when Jaychandra came to know that his daughter loved to Pramchandra, so he arranged symbol. यानी जब जयचंद को ये पता चला कि उनकी बेटी उनके ही विरोधी पृथ्वीराज चौहान से प्रेम करती है तो उसने एक स्वयंबर रचने का योजना बनाई यानी कि डिसीजन लिया एंड सेंड इन्विटेशन ऑल किंग्स एक्सेप्ट पृथ्वीराज चौहान और उसको सभी राजाओं को न्यौता भे न्यौता भेजा यानी इन्विटेशन भेजा स्वयंबर में बुलाने के लिए लेकिन पृथ्वीराज चौहान को नहीं बुलाया जयचंद्र मेड अ स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज चौहान एंड इंस्टॉल्ड एट द गेट इन प्लेस ऑफ डोरमैन और इसके बाद भी उस जयचंद ने एक स्टैचू बनवाई पृथ्वीराज चौहान की और एक ग, मतलब उस डोर एक उस स्वयंबर में मतलब डोर दरवाजे पर उस स्टैचू को खड़ा कर दिया एक दरवान की तरह नेक्स्ट लाइन्स बट संयुक्ता हैड ऑलरेडी मेड अप हर माइंड टू मैरी पृथ्वीराज वेन शी केम टू नो दैट He was not on the list of invitees. She was devastated and thought, This can't be. I will marry no other but him. I must find a way of alerting him. She then decided to write him a letter expressing her desire to marry him. Prathviraj readily accepted it and promised to come to the टू नो दैट हर फादर डिड नॉट इनवाइट पृथ्वीराज चौहान यानी संयुक्ता केवल पृथ्वीराज चौहान से ही शादी करना चाहती थी जब उनको ये पता चला कि उनके फादर ने संयुक्ता को सॉरी पृथ्वीराज चौहान को इनवाइट नहीं किया है स्वयंबर में तो शो शीट रोट आ लेटर टू पृथ्वीराज एंड दैट शी वॉन्टेड मैरी टू हिम उन्होंने पृथ्वीराज चौहान को एक लेटर लिखा और उसमें यह मतलब लिखा कि वो पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती हैं पृथ्वीराज चौहान एक्सेप्टेड इट एंड प्रमिश टू कम इन सेम्बर और पृथ्वीराज चौहान ने उस चीज़ उनके लेटर को एक्सेप्ट किया और उनसे ये प्रॉमिस किया कि वो स्वयंबर में जरूर आएंगे नेक्स्ट लाइन समय वॉकड डाउन द आई वेयर द रॉयल्स है स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज एज अ डोर मैन द असेंबलेज वॉज स्टंट एट दिस ब्रश एक्ट ऑफ हर्स बट वॉट स्टंट दैम एंड हर फादर जयचंद्रा वॉज द नेक्स्ट नेक्स्ट थिंग दैट है स्वयंबर एंड बाई पास ऑल द किंग्स एंड रीच द डोर एंड पुट द गार्लैंड स्टैचू ऑफ पृथ्वीराज चौहान एज अ डोर मैन ऑल वर सरप्राइज देयर यानी कि जब संयुक्ता स्वयंबर में आई तो वो सब राजाओं के पास से होकर निकल गई और जो स्टैचू बनी हुई थी पृथ्वीराज चौहान की उस पर उन्होंने बरमाला डाल दी और इस को देखकर वहाँ जितने भी राजा थे वो सब सरप्राइज थे पृथ्वीराज हाइडिंग बिहाइंड द स्टैचू ऑल्सो इन द गा ऑफ अ डोरमैन मैन संयुक्त अबे एंड पुट हर अप ऑन हिज स्टेट टू मेक अ फास्ट गेट वे टू हिज कैपिटल एट दहली हेयर प्रिंस सॉरी पृथ्वीराज चौहान वॉज बिहाइंड द स्टैचू ही वॉज इन डोरमैन ड्रेस ही पिकडअप समयुक्ता एंड पुट हर पुट हर ऑन हॉर्स एंड ही रेन फास्टली टू हिज कैपिटल डेली पृथ्वीराज चौहान जो जो स्टैचू थे उसके पीछे ही खड़े हुए थे डोरमैन के ड्रेस में उन्होंने संयुक्ता को मौका देकर उठा लिया और अपने घोड़े पर बैठा लिया और अपने घोड़े को तेजी से भगाते हुए अपनी राजधानी दहली ले गए नेक्स्ट लाइंस पृथ्वीराज चौहान देन ओपनली चैलेंज जयचंद्रा टू स्टॉप हिम फ्रॉम टेकिंग हिज वाइफ दिस मेड जयचंद्रा शेक विद रेज एट द इंसल्ट इन फ्रंट ऑफ ह्यूज गैदरिंग ऑफ किंग्स एंड प्रिंसेज Jachandra and his army gave earnest chase and in the resultant string of battles between the two kingdoms fought in the following year. Both of them suffered heavy losses. The writer says that Jaychandra felt insult that he could not stop Prathviraj Chauhan to take his daughter front of all kings. यानी कि जब पृथ्वीराज चौहान घोड़े पर उनकी बेटी को ले गए तो इस बात से जयचंद को अपनी बहुत बेचती महसूस हुई कि वो अपनी बेटी को नहीं रोक पाए जयचंद एंड पृथ्वीराज चौहान्स आर्मीज फॉट मेनी इयर्स टू ईच अदर एंड सफ़र्ड मच लॉसेज दैट मींस यानी कि इसके बाद कई सालों तक जयचंद्रा और पृथ्वीराज चौहान में यानी कि उनके आर्म में युद्ध होता रहा और एक दूसरे से वो लड़ते रहे इसमें इस युद्ध में दोनों को ही बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा यानी कि बहुत हानि हुई पार्ट वन फिनिश्ड वी विल गो कंटिन्यू पार्ट टू थैंक यू एवरी